हेलो फ्रेंड्स, आप देख बीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीक्स। अल्विश यादव, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सिंगर एंड बिग बॉस विनर, इस समय पूरे मीडिया सोशल मीडिया पर मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुका है। अल्विश यादव पर स्नेक वेनम सप्लाई करने का आरोप है। अकॉर्डिंग टू मीडिया, अल्विश यादव ने स्नेक वेनम रेव पार्टीज में सप्लाई करना एक्सेप्ट कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अल्विश के फैन एंड फॉलोअर्स का कहना है कि मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है। अल्विश ने स्नेक वेनम सप्लाई करना कॉन्फेस नहीं किया है, उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और आज हम सोशल मीडिया एंड मीडिया में कंट्रोवर्सी किंग बन चुके अल्विश यादव की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज को जानेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रूथ। क्या अल्विश निर्दोष है या विक्टिम? इस वीडियो में मैं बहुत ही न्यूट्रल होकर अल्विश यादव की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज को डिकोड करूंगा एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट क्या अल्विश यादव गलत है या सही। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं हु इज कंट्रोवर्सी किंग अल्विश यादव। देखिए, अल्विश यादव का रियल नेम सिद्धार्थ यादव है एंड उसकी उम्र है 26 साल। ही इज यूट्यूबर, सिंगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड बिग बॉस OTT 2023 विनर। अल्विश यादव ने अपना यूट्यूब कैरियर 2016 में शुरू किया था। चैनल का नाम था सोशल फैक्ट्री, जिस पर अल्विश फिक्शन एंड कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट्स फिल्म्स अपलोड किया करता था। फिर इसके बाद अल्विश ने इस चैनल को रीब्रांड करके इसका नाम अल्विश यादव कर दिया। फ्रॉम दिस 2023 में अल्विश ने अपना एक अल्विश यादव व्लॉग्स एंड मूवी क्रिटिक्स एंड अल्विश यादव गेमिंग चैनल्स लॉन्च किए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ अल्विश यादव का 2 क्लॉथिंग ब्रांड भी है। फर्स्ट सिस्टम क्लॉथिंग एंड सेकंड का नाम है एल ग्रो वीमेन। इसके अलावा अल्विश यादव एक NGO भी चलाता है जिसका नाम अल्विश यादव फाउंडेशन है, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए फ्री खाना एंड गरीब बच्चों की मदद करता है। अब आते हैं अल्विश यादव की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज पर, स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्नेक वेनम कंट्रोवर्सी। रिसेंटली एक एनिमल वेलफेयर NGO ने पुलिस में एक कंप्लेन दर्ज कराई कि अल्विश यादव दिल्ली NCR में होने वाली रेव पार्टीज में कोबरा के स्नेक पॉइजन सप्लाई कर रहा है। इसके बाद पुलिस अल्विश यादव एंड 5 अदर्स को दिल्ली NCR में होने वाली रेव पार्टीज में स्नेक पॉइजन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस कस्टडी में जाते समय अल्विश हंस रहा था। ये वीडियो फुटेज भी ये बताकर मीडिया एंड सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है कि अल्विश पुलिस कस्टडी में हंस रहा है। इसका मतलब अल्विश को कोई डर या पछतावा नहीं है अपने किए पर। फिर अल्विश यादव इन सारे एलिगेशंस को डिसमिस कर देता है और इसे पूरी तरह बेसलेस एंड फेक बताता है। देखिए, जब नवंबर में अल्विश यादव के ऊपर NGO ने कंप्लेन दर्ज कराई थी तो अल्विश यादव इन सारे एलिगेशंस को डिसमिस कर देता है और इसे पूरी तरह बेसलेस एंड फेक बताता है एंड मेनका गांधी एंड NGO के ऊपर डिफेमेशन केस करने को कहता है। इसी बीच सोशल मीडिया एंड मीडिया में एक और न्यूज वायरल हो जाती है जिसमें ये दावा किया जाता है कि अल्विश यादव ने कोबरा का जहर रेव पार्टीज में सप्लाई करने का गुना कबूल कर लिया है। ये न्यूज सोशल मीडिया एंड मीडिया में धड़ल्ले से शेयर की जाती है। इसके बाद अल्विश यादव के पेरेंट्स, उसके माता पिता मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने 3 दिनों से खाना तक नहीं खाया और उनका बेटा निर्दोष है। अल्विश की मदर सुषमा यादव रोते हुए मीडिया के कैमरे के सामने बताती हैं कि अल्विश ने उनका नाम रोशन किया है, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। इसके बाद एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताते हुए मीडिया ने ये न्यूज फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दिया कि अल्विश ने पुलिस के सामने रेव पार्टीज में स्नेक पॉइजन सप्लाई करने का गुनाह कबूल कर लिया है। इसके बाद फिर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट मीडिया से ही सामने आती है जो इन सारी रिपोर्ट्स की पोल खोलती है और बताती है कि अल्विश यादव ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने पर लगे आरोपों को एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब अल्विश ने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है और मीडिया में ये सारी अफवाह धड़ल्ले से फैलाई जा रही है कि अल्विश यादव ने किंग कोबरा का जहर रेव पार्टीज में सप्लाई करने का गुनाह कबूल कर लिया है।
पर पुलिस के पास एल्विश यादव के खिलाफ ढेर सारे एविडेंस मौजूद है, ऐसा पुलिस का कहना है।